मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमलता मैम फ्रॉम मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडल वर्ब्स. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी ऑलरेडी डिस्कस सम मॉडल्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूजेज ऑफ मस्ट. तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं मस्ट का यूज़ बताऊँगी कि मस्ट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मस्ट का यूज़ होता है वो होता है ऑब्लिगेशन के लिए और नेसेसिटी, मतलब कोई कंपल्शन जहाँ पे होती है वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हो, मस्ट का. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए इसकी फर्स्ट एग्जांपल, वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स. जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उन्हें हमें जरूर मानना चाहिए. नेक्स्ट वन, वी मस्ट कीप ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग. तो ये भी देखो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो यू विल बी पनिश्ड. नेक्स्ट वन, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री. कि जो हमारी कंट्री के लॉज हैं उन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट वन, वी मस्ट बाय टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन बस. कि अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें टिकट जो है वो खरीदनी चाहिए. तो अगर नहीं खरीदेंगे तो उसके लिए फिर हमें क्या होगा, हमें कुछ पेनल्टी पड़ेगी. तो जो मस्ट का यूज़ होता है ये इसी के लिए होता है कि आपको ये काम करना ही करना है. अगर आप नहीं करोगे तो उसके लिए कुछ आपको पनिशमेंट मिल सकती है. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन. कि मस्ट का यूज़ हो रहा हम किसके लिए करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट सॉल्व एट लीस्ट 100 क्वेश्चंस इन अ डे. कि मुझे क्या करना चाहिए, एक जो होता है ना, ये डिटर्मिनेशन होती है, एक दृढ़ निश्चय जो हम करते हैं कि मुझे कम से कम क्या करना चाहिए कि 100 क्वेश्चंस जो हैं वो एक दिन में सॉल्व करने चाहिए. जैसे हमने अपनी स्टडी जो स्टार्ट की हुई है तो हमें ये है कि हमने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, एटलीस्ट जो 100 क्वेश्चन हैं वो मुझे सॉल्व करने चाहिए ताकि मैं अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकूं. तो एक दृढ़ निश्चय जो किया होता है उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, मस्ट का. नेक्स्ट एग्जांपल, आई मस्ट रीच देयर बाय 6 PM एनी हाउ. कि मैं यहाँ पर 6 PM तक मुझे यहाँ पर पहुँचना है. नेक्स्ट, वी मस्ट स्कोर 80% इन 12th. मुझे 12th में 80% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं. तो यहाँ पे भी एक दृढ़ निश्चय जो होता है, डिटर्मिनेशन जो होती है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का. नेक्स्ट, ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस. कि कोई एडवाइस है, कोई ड्यूटी है आपकी, तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करोगे, मस्ट का. ड्यूटी के लिए आप मस्ट का यूज़ भी करते हो, आप शुड का यूज़ भी करते हो, प्लस आप ऑट टू का यूज़ भी करते हो. इन में कुछ डिफरेंस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम ऑट टू की बात करें तो वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी जो हमारी होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑट टू. ये काम हमें करना चाहिए, ये काम ठीक होता है, अच्छा होता है, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, एक मॉरल ड्यूटी जैसे होती है तो वैसे हम ऑट टू का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन, कि शुड का हम यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं किसी को एडवाइस जैसे हम देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको जो मेडिसिन है वो टाइम पे लेनी चाहिए, वो आगे दूसरे उसकी चॉइस है कि वो ले ना ले, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो वहाँ पे भी आप, वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, शुड का. बट जहाँ पर आप मस्ट का यूज़ कर रहे हो ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ होती है कि ये आपको करना ही करना है, ये कंपल्शन होता है कि आपको ये काम करना है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिल जाएगी. तो इसकी एग्जाम्पल्स देखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी मस्ट केयर और इन्वायरमेंट. कि जो हमारा इन्वायरमेंट है हमें उसकी केयर करनी चाहिए. वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेव करना चाहिए. तो एक हमारी ड्यूटी बनती है, तो ड्यूटी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का. नेक्स्ट, प्रोविजंस और नेगेटिव कमांड. कि किसी चीज़ के लिए प्रोविजन होता है, किसी चीज़ के लिए मना करना, चाहे कोई नेगेटिव कमांड के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का. फॉर एग्जांपल, यू मस्ट नॉट एंटर इन रेड जोन. अगर रेड जोन है तो
तो वहाँ पे आपको एंटर नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे मना किया गया है। जब हम किसी को मना कर रहे हैं तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल। आपको ट्रैफिक रूल जो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। और पब्लिक प्लेसेस पे आपको कभी भी स्पिट नहीं करना चाहिए, कभी वहाँ पर थूकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज़ और हम कहाँ पर करते हैं, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, और उसके लिए हम मस्ट हैव का यूज़ करते हैं प्लस V3 का यूज़ करते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं तो मॉडल के बाद हमेशा किसको यूज़ किया जाता है, V1 का यूज़ किया जाता है, जो बेस फॉर्म होती है इसका, उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, V3 का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट उससे पहले किसका यूज़ किया जा रहा है, हैव का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो हैव का यूज़ मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे यूज़ हुई है, तो ये V1 में ही आएगा, उसके बाद आपका V3 का यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए, यू मस्ट हैव स्पोकन इन इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। यू मस्ट हैव रीच्ड इन टाइम, कि आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए। तो ये पास्ट की बात हो गई कि आपको पहुंचना चाहिए था। वी मस्ट हैव सॉल्व वन क्वेश्चन मोर, कि एक क्वेश्चन मुझे और सॉल्व करना चाहिए था। वी मस्ट हैव गॉन देयर यस्टरडे, तो मुझे यस्टरडे यहाँ से जाना चाहिए था। तो पास्ट के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। नेक्स्ट वन, मॉडल वर्ब डेयर। अब हम डेयर का यूज़ करेंगे कि डेयर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। डियर का मीनिंग देखिए क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के जो कर्ज कैसे उसने हिम्मत कर ली, उसे हम कहते हैं डियर। फॉर एग्जांपल, डियर आर डियर एज मॉडल वर्ब शोज लैक ऑफ करेज। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कि जो डियर है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं, और लैक ऑफ करेज के लिए, कि उसकी हिम्मत कैसे होगी। हम कहते हैं ना कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहने की, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, डेयर का। फॉर एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट आर्ग्यू विद माई फादर, कि मैं अपने फादर के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता, मेरे में ये हिम्मत नहीं है, मेरे में ये साहस नहीं है कि मैं अपने फादर के साथ आर्ग्यू कर सकूँ। नेक्स्ट वन, आई डेयर नॉट फेस माई फादर वेन ही इज़ एंग्री, कि मेरे जब फादर एंग्री होते हैं तो मैं उनसे मिलने का मतलब साहस नहीं कर पाता। आई डेयर नॉट गो इन ग्रेव यार्ड एलॉन, ग्रेव यार्ड में मैं एलॉन नहीं जा सकता, अकेला नहीं जा सकता। डेयर यू फाइट विद अजय, क्या तुम उसके साथ लड़ सकते हो, क्या आप में हिम्मत है उसमें लड़ने की। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, तो अब हम किसका यूज़ करेंगे, डेयर का, मतलब जहाँ पे आप अपने जो करेज है वो शो कर रहे हो कि मेरे में ये इस चीज़ की मतलब करेज नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, डेयर का। नेक्स्ट वन, इसका हाउ डेयर यू से सो, कि आपने इस तरह से क्यों कहा, आपकी कैसे हिम्मत हुई। तो क्वेश्चन में हम पूछते हैं आपके कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को टच करने की। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब नीड। नीड एज मॉडल वर्ब शोज़ लैक ऑफ नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस आर कंपल्शन। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, जो नीड का यूज़ है वो हम किसके लिए करते हैं, लैक ऑफ नेसेसिटी जो होती है हमारी ऑब्लिगेशन या कंपल्शन होती है, तो ये भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट कम हेयर टुमारो, कि आपको यहाँ पे आने की, कल आने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं ना किसी को कि आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने के लिए, नेसेसिटी के लिए, कि लैक ऑफ नेसेसिटी, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, नीड का। नेक्स्ट एग्जांपल, यू नीड नॉट इन्फॉर्म मी डेली, तुम्हें मुझे डेली इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट हरी अप फॉर द ट्रेन बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टाइम, तो हमें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नीड का। नेक्स्ट देखिए, मॉडल वर्ब ऑट टू।
तो आर टू भी जो होता है ये भी एक जरूरी काम के लिए होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पीछे मैंने बताया ना डिफरेंस कि हम शुड का, मस्ट का और ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो शुड का कहाँ पे यूज़ होता है, ऑट टू का कहाँ पे यूज़ होता है और मस्ट का कहाँ पे यूज़ होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ऑट टू का हमेशा यूज़ जो किया जाता है वो मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। आर टू शोज़ मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड कैरीज इन्फिनिटिव टू विच इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस इसके साथ टू का यूज़ होता है। ये ऐसा मॉडल है जिसके साथ टू का यूज़ किया जाता है। वी आर टू लव अवर कंट्री, कि हमें अपनी जो कंट्री है इससे लव करना चाहिए। यू आर टू केयर योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो ये आपकी क्या है, आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना चाहिए। बॉयज़ आर टू हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, की बॉयज़ जो है उनको घर के काम में हेल्प करनी चाहिए। तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, कि आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको इस चीज़ को करना चाहिए। तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ करोगे आर टू का। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्शन है कि ये काम आपको करना ही करना है, ये काम आपको करना चाहिए, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करते हो। आर टू का यूज़ करते हो कि कोई भी आपकी मॉरल ड्यूटी है, कि ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने इस काम को करना है, मॉरल ड्यूटी जो होती है, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे आर टू का। नेक्स्ट वन, आर टू प्लस हैव प्लस वी थ्री यूज इन पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड ड्यूटी आर एज सेंसिबल एक्शन दैट वॉज नेग्लेक्टेड। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, उसके बाद हमेशा जब भी हमारा मॉडल वर्ब होता है तो उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे भी हैव का यूज़ हुआ, तो उसके बाद वी थ्री का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यू ऑट टू हैव डन इट बिफोर, कि तुम्हें इससे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था। यू ऑट टू हैव टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट इट, तुम्हें अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका ये आर टू का यूज़ है, मतलब जैसे आपकी कोई मॉरल ड्यूटी होगी वहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे आर टू का। नेक्स्ट वन, यूज़ टू। यूज़ टू होता है किसी हैबिट के, जो पास्ट की हमारी हैबिट थी लेकिन अब वो नहीं है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ टू का। यूज़ टू शोज़ पास्ट हैबिट फ्रिक्वेंट एक्शंस ऑफ पास्ट एग्जाम्पल, जो भी हमारी पास्ट की एक्शन होती है जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं उसके लिए, और पास्ट की जो हमारी हैबिट होती है, मतलब जो हमारी पहले आदत थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ टू का। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीमा यूज़ टू डांस इन हर चाइल्डहुड बट नाउ शी डज नॉट। कि सीमा जब बचपन में डांस किया करती थी, मतलब ये उसकी हैबिट थी, कौन सी, पास्ट की हैबिट थी, लेकिन अब वो डांस नहीं करती। जब उसकी कोई पास्ट की हैबिट थी तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, यूज़ टू का। मतलब उसकी कोई भी आदत थी जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा यूज़ टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अर्लियर शी यूज़ टू लाइव इन इंदौर बट नाउ शी डज नॉट। कि पहले वो क्या करती थी, इंदौर में रहती थी लेकिन अब वो नहीं रहती, तो ये भी क्या है, ये भी उसकी, मतलब पास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे भी किसका यूज़ किया गया है, यूज़ टू का। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज आपके जो मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो गए, कल हम इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।